रफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। आज है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी का 66वां जन्मदिन। 16 अक्टूबर 1948 को जन्मी हेमा ने फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया में अपना नाम कमाया है। तमिलनाडु से लेकर मुंबई तक के सफर में उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव झेले, फिर भी अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। हेमा ने बॉलीवुड में सबसे पहले 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर में काम किया था। इस फिल्म के बाद ही उन्हें वारिस और जॉनी मेरा नाम फिल्म का ऑफर मिला था, जिसमें देवानंद के साथ जॉनी मेरा नाम काफी हिट रही। हेमा मालिनी का परिवार फिल्म जगत से पहले ही जुड़ा था, शायद इसी वजह से हेमा मालिनी का रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर था। हेमा मालिनी एक्ट्रेस के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा नृत्यांगना के रूप में भी पहचानी जाती हैं। हेमा मालिनी का नाम अपने वक्त में कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा था, जिसमें एक्ट्रेस संजीव कुमार और जितेंद्र का नाम सबसे ऊपर था। कहा जाता है कि संजीव कुमार और जितेंद्र ने तो उन्हें शादी का ऑफर भी दिया था, लेकिन हेमा ने उन्हें एक दोस्त बताकर मना कर दिया। बॉलीवुड की फिल्मों का एक दौर था जब उनकी और धर्मेंद्र की जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। इसके बाद ये रियल लाइफ की जगह रियल लाइफ कपल बन गए। हेमा और धर्मेंद्र आज एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे हैं। फिल्म सपनों का सौदागर के दौरान ही हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का नाम दे दिया गया था। बस यहीं से वो इसी नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी दो बेटियां भी हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा मालिनी ने अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो राजनीति में उतर आईं। आज हेमा मालिनी मथुरा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर संसद में हैं। हेमा मालिनी को साल 2000 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस बेमिसाल एक्ट्रेस को वन इंडिया परिवार की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।